हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी, मटर मसाला मखनी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट सब्जी बनाना। सबसे पहले किसी पैन या कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बटर भी डालेंगे क्योंकि हम मटर मखनी बना रहे हैं, और बटर डालने से सब्जी का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पर मैं होममेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और फिर इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ जिन्हें ग्रेट कर लिया है, फिर इसको भी डाल देंगे। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर लहसुन को लाइट गोल्डन होने तक भूनेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। अब प्याज को भी लहसुन के साथ ही ऐड कर देंगे। प्याज और लहसुन को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब तक इधर हमारा प्याज लहसुन फ्राई हो रहा है, तब तक हम टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेते हैं सब्जी के लिए। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं जिनका एक पेस्ट तैयार करना है। प्याज और लहसुन भी गोल्डन हो गया। अब हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्जी में कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। मसालों को भी हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पर जो टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा है उसको भी ऐड कर देंगे, और इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम में लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, जब तक ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। इस स्टेज में हम ऐड करेंगे हरी मटर। यहाँ पर मैं फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मटर लिए हैं। मटर को भी मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे नमक। नमक को भी मसालों में मिला देंगे। फिर हम मसालों को कवर करके लगभग 7 से 8 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में पकने देंगे, जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दें। 7-8 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं मसालों को। आप देख सकते हैं मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है और मटर भी पक गई है। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। करीब मैंने 1/2 कप पानी लिया है। पानी डालने के बाद सब्जी में उबाल आने देंगे। 1-2 मिनट बाद ही सब्जी में उबाल आने लगा है, मैं यहाँ आपको पास से दिखा रही हूँ। फिर इस स्टेज में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई। मलाई को भी हम पूरी सब्जी में अच्छे से मिला देंगे। मलाई डालने से जो सब्जी के टेस्ट की रिचनेस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। फिर इसे हम कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। करीब 5-6 मिनट हो गए, सब्जी को चेक कर लेंगे। आपको देख के ही पता चल रहा होगा सब्जी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी होगी, क्योंकि वो देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है। लास्ट स्टेज में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और उसको भी अच्छे से सब्जी में मिला देंगे। अब हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया, इसको भी सब्जी में मिला देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, सब्जी बनके तैयार है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पर मेरे फ़ोन की बैटरी आउट होने वाली थी, जिसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आई। सब्जी के ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे बटर और थोड़ा सा हरा धनिया। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।